आखिरकार श्रुतिका के साथ जो हिसाब किताब करना था विविन को, उसका बदला जो है विविन ने ले लिया है और श्रुतिका को बोल दिया है नॉमिनेशन टास्क के बाद हिसाब बराबर श्रुतिका। ये बातें जो है अब विविन ईशा और एलिस और अविनाश के साथ करते हुए नजर आए। अभी कुछ ही देर पहले जो है नॉमिनेशन टास्क हो गया है। हालांकि नॉमिनेशन टास्क क्या है, किस तरीके से नॉमिनेशन टास्क हुआ और कौन कौन इस हफ्ते नॉमिनेट हो चुका है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के जरिए बता चुकी हूँ। पर नॉमिनेशन टास्क जो है आज रात के एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। आप लोगों को तो याद ही है कि श्रुतिका को जब लाडली बनाया गया था, तब पिछले नॉमिनेशन में उसको एक पावर दी गई थी। उस पावर के चलते हुए उसने अर्फीन और विविन को जो है नॉमिनेट करने का हक तक नहीं दिया किसी को भी, जबकि उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो वो दोस्त था और आरफीन भी दोस्त था, पर उसने बहुत ही गंदी गेम जो है वहां पर खेली। और तब से ही जो है जो विविन है, तब से ही अपने आप को दूर रखने लग गया श्रुतिका से, जबकि वो श्रुतिका को बहुत ही अच्छा मानता था और काफी अच्छा मतलब कि उसको ट्रीट भी करता था। ऐसा नहीं है कि उसने अब जो है ट्रीट करना छोड़ दिया, बट अपनी दूरियां जो है वो बना ली थी। तो आज जो है श्रुतिका को उसने सीधा जाके नॉमिनेट कर दिया अपना वाजिद कारण देते हुए, जिसके बाद श्रुतिका को पता चला कि अभी जो है विविन ने उसको नॉमिनेट किया है। और कैसे पता चला कि भाई अंदर जैसे ही नाम लिया जाएगा और जिस सदस्य का नाम लिया जाएगा उसको शौक लगेगा, तो श्रुतिका को शौक लगा और उसको पता चला कि भाई विविन ने मुझे नॉमिनेट किया। तो विविन ने भी बोल दिया है कि श्रुतिका अपना हिसाब बराबर। पर ये बात जब विविन बोल रहे थे, तब विविन को ये ही बात एलिस ने बोला कि भाई क्यों उसने ये बात नहीं पूछा, हाय क्यों हिसाब बराबर, मेरे को तो समझ में नहीं आया। विविन ने बोला वो रोटी को रोटी ही बोलती है ना, चोची तो नहीं बोलती है ना, रोटी ही बोलती है ना, उसको सब समझ में आता है, इतनी भी भोली नहीं है वो। क्या आपको भी लगता है जो विविन को लगता है, भोली नहीं है वो, सब समझ में आता है? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।